अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हमारी क्लास का आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। 19th सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टाइन और 20th सेंचुरी के अंदर जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग साहब की हिस्ट्री ये है कि उनकी जब PhD कंप्लीट हुई और उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी के अंदर, तो उन्होंने फील किया कि आहिस्ते आहिस्ते उनकी बॉडी पे से उनका कंट्रोल मिस हो रहा है, यानी आहिस्ते आहिस्ते उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगी। डायग्नोसिस करने के बाद पता चला कि एक बीमारी है जो ब्रेन से चलती है और न्यूरॉन वो मसल्स कंट्रोल को मिस कर देते हैं। इस तरीके से उनके पांव लड़खड़ाने लगे, हाथ शेक करने लगे और आहिस्ते 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 पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। उन्होंने अपने डॉक्टर से सवाल ये किया कि सर, डॉक्टर साहब, अगर मेरी पूरी बॉडी काम नहीं करती, मेरे कंट्रोल में नहीं रहती, तो क्या मेरा दिमाग भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा? तो डॉक्टर ने जवाब दिया, नो, आपका दिमाग आपके अपने कंट्रोल के अंदर रहेगा, आप जो चाहें सोच सकते हैं। फिर उन्होंने सोचना स्टार्ट किया फिजिक्स के हवाले से, कॉस्मोलॉजी के हवाले से। उनकी पूरी बॉडी में से उनके सिर्फ चीक का मसल मूव करता था और उस मसल से जो वो सोचते थे उसकी प्रिडिक्शन होती थी। जैसे एग्जांपल, अली, सर की स्पेलिंग है SIR, तो जो चीक मसल मूव करता है उसके पैटर्न को देख के वर्ड्स या लेटर्स निकाले गए। सर S के लिए पैटर्न अलग था, I के लिए अलग और R के लिए अलग, तो वो वर्ड्स वो लेटर निकाले गए, इनकी मदद से बना एक वर्ड और फिर वर्ड से बने सेंटेंस। तो आप जो ये व्हील चेयर देख रहे हैं, इस व्हील चेयर के अंदर एक कैमरा है, वो कैमरा फेशियल मूवमेंट को देख रहा है, उसको देखने के बाद प्रेडिक्ट करने के बाद इंटरफेयर करता है। जैसे IR वेबकैम डिटेक्ट द फेशियल मूवमेंट, उसके बाद इंटरफेयर पिक लेटर फ्रॉम वर्ड्स और फिर वर्ड्स के बाद वो कंप्लीट सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया और वो सेंटेंस या तो स्पीकर के थ्रू बोला जाएगा या तो फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये पूरा जो सिस्टम कहलाता है उसको कहते हैं हम असिस्टिव कॉन्टेक्स्ट अवेयर टूलकिट, ACAT, जो कि इंटेल ने डेवलप किए थे और ये कस्टमाइज थे टू द पेशन ऑफ स्टीफन हॉकिंग। और इसी टूल किट की मदद से उन्होंने किताबें लिखी जो है थियरी ऑफ टाइम। अब आहिस्ते आहिस्ते बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर चीजें इवॉल्व हो रही हैं, न्यू चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। आर्टिफिशियल वेल्व बड़े कॉमन है, हार्ट वेल्व, पेसमेकर वेरी कॉमन, मतलब कंप्लीट आर्टिफिशियल हार्ट अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, मगर आज नहीं तो कल ये जाके कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आर्टिफिशियल हार्ट बन सकता है तो आर्टिफिशियल लंग्स भी बन सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनीज, लिवर, स्टमक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों की रिफ्लेक्शन आपको कहीं ना कहीं मूवीज के अंदर मिलेगी, हॉलीवुड मूवीज के अंदर। जैसे आयरन मैन मूवी है, मशहूर है जमाना, उस आयरन मैन मूवी के अंदर टोनी स्टार्क का जो दिल है वो एक्चुअली आर्टिफिशियल हार्ट है और वो आर्टिफिशियल हार्ट पावर होता है एक सोर्स से, जो कि ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलरली अगर हम ये सारी चीज़ों की आर्टिफिशियल हार्ट, लंग्स, किडनी क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या हम ब्रेन को भी कॉपी कर सकते हैं? जैसे हमने लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि एक न्यूरॉन बहुत सारे दूसरे न्यूरॉन से मिलकर एक डिसीजन लेता है, एक न्यूरॉन के 10,000 न्यूरॉन से साइनेप्स क्रिएट होते हैं, यानी 10,000 न्यूरॉन एक न्यूरॉन को फीड करेगा, इनमें से अगर कोई न्यूरॉन कोई अलग फीडिंग दे तो फाइनल आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा। तो उसका मतलब ब्रेन को कॉपी करना इंतहाई मुश्किल चीज है और इसीलिए आज के ज़माने में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, विच इज़ नोन एज BMI, ब्रेन मशीन इंटरफेस, यानी आप जो सोचेंगे वो चीज़ मशीन करेगी। और इसके लिए एक कंपनी है टेस्ला, उसके जो CEO है उनका नाम है इलॉन मस्क, उन्होंने एक ऐसी चिप डेवलप की है, उस चिप के थ्रू एक इंसान दूसरे इंसान से अपनी मर्जी का काम करवा सकता है।
आप कहेंगे बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा, आप कहेंगे खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ब्रेन कंट्रोलिंग के थ्रू हो सकती है। सिमिलरली एक दूसरी मूवी का मैं आपको रेफरेंस दूँ जिसका नाम है एक्स मैन। उस एक्स मैन के अंदर भी एक हेलमेट मैन होता है जो प्रोफेसर है। वो प्रोफेसर अपनी बात को दूसरे के दिमाग में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है और जो वो चाहता है वो दूसरे से वो काम करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ब्रेन के सिग्नल्स को लेना और उसको परसीव करना और उस अपनी अपनी मर्जी का काम उसके हाथ से करवाना। दिस इज वॉट द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज। ये सारी चीज़ें 2023 के अंदर हो सकता है कंप्लीट ना हुई हो, बट बाय 2032 2045 एक्सेट्रा लेटर ऑन ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल मार्केट के अंदर आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।